Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my channel Nosheen Talkies, एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था, खासकर अगर कहानी पुरानी हो। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है तो हम लॉन्ग ड्राइव ट्रिप पे निकलते हैं, पहाड़ों की तरफ या सहरा की तरफ, इस उम्मीद से कि कहीं मुझे गांव नज़र आए या पुराने घर नज़र आए। आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ बहुत पुरानी है, इसे 70 साल गुजर चुके हैं। कहानी है मेहरुन्निसा की। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। January 1947, सर्दियों की वो सुबह जब लोग उस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों में दबके हुए थे, और सर्दी भी ऐसी थी कि हड्डियों के अंदर तक घुसी जा रही थी। बारिश भी इतनी तेज़ थी जैसे आज और अगली पिछली कसर निकाल कर रहेगी। फजर के वक्त में हैया अलल फलाह की आवाज़ पर मेहरुन्निसा की आंखें पट से खुल गईं। अभी उठती हूँ, उसने करवट बदलकर तकिया मुंह पर रख लिया। इस शदीद तरीन सर्दी में इतने सवेरे बिस्तर से निकलने का तसव्वुर भी सोहान रूह था, मगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के कलिमात ने उसे बिस्तर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो जल्दी जल्दी दुपट्टा सर पर लपेटे बाहर निकली। बरामदे की दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर सहन में निकल आई। मस्जिद से अजान की आवाज़ अभी जारी थी, और ये आवाज़ किसी और की नहीं उसके अब्बा जी की थी। उसके अब्बा मोहल्ले के मस्जिद के मुअज्जिन थे। वो घंटे भर पहले वजू करके मस्जिद रवाना हो चुके थे। मेहरुन्निसा ने जल्दी जल्दी आस्तीनें चढ़ाई और सहन में बैठकर वजू करने लगी। ठंडे पानी ने जैसे उसके हाथ पांव जमा दिए थे। वजू करने के बाद जाए नमाज को उसने सीधा किया और उस पर नमाज पढ़ने लगी। सर्दी से उसकी बाकायदा दांत बज रहे थे। दूसरी तरफ अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सहन के एक कोने में कई घंटों से छिपा वजूद कब से उसका जायज़ा ले रहा था। उसने अपना चेहरा स्याह कपड़े में छुपाया हुआ था। हाथ में तेज़ दहार का खंजर था। उसने एक मर्तबा फिर उंगली से खंजर की दहार की तेज़ी का अंदाज़ा किया। मेहरुन्निसा ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। जाए नमाज तय करके उसने दोबारा अपने कमरे का रुख किया। अम्मी और दादी के कमरे का दरवाज़ा अभी बंद था। सहन के उस कोने के करीब से गुज़रते हुए मेहरुन्निसा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने आहिस्ता से उस तरफ झांका। एक लंबा चौड़ा वजूद तमाम चेहरा छुपाए हुए मेहरुन्निसा की तो जैसे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने खंजर से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। एक हाथ से मजबूती से मेहरुन्निसा का मुंह बंद किया, उसने दूसरे हाथ से खंजर बुलंद किया, मगर फिर न जाने क्या सोचकर, नहीं कुछ कहकर, कुछ महसूस करके उसने खंजर हाथ से गिरा दिया। घंटे बाद जब कांपती हुई मेहरुन्निसा अपने कमरे में वापस लौटी तो उसकी 19 साल दुनिया अंधेर हो गई थी। नकाबपोश कब का फरार हो चुका था। मेहरुन्निसा अपनी चीखों को रोकने के लिए अपना दुपट्टा मुंह में घुसाई दे रही थी। सुबह जब अम्मी और दादी उठी, उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसको तेज़ बुखार चढ़ गया था और उसकी हालत गैर हो रही थी। फिर सुबह सुबह ठंडे पानी से वजू कर लिया होगा। कितनी मर्तबा कहा है कि पानी गर्म कर लिया कर, मगर इस लड़की की सुस्ती तो देखो, उसकी दादी बड़बड़ा रही थी। और मेहरुन्निसा अंदर ही अंदर ख़ुद को कोस रही थी कि काश मैं उस सुबह नमाज के लिए ना उठी होती, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काश उस सुबह अजान की आवाज़ मेरे कानों में ना गूंजी होती, हो ना जाने क्या सोची जाती।
दिन पर दिन गुजरते गए। मेहरुन्निसा की हालत कदरे संभल गई, मगर उस सुबह के बाद वो फजर के लिए ना उठी। अजान पर मेहरुन्निसा की आंखें तो खुल जाती, मगर वो अपने बिस्तर पर पड़ी कांपती रहती। दिन महीने गुजरते गए। मेहरुन्निसा की हालत तो बेहतर हो रही थी, मगर मुल्क के हालात शदीद बिगड़ रहे थे और मेहरुन्निसा के माँ बाप और दादी बेहद खौफजदा। एक तो मुसलमान, फिर मस्जिद के मुअज्जिन, बेहद गरीब और फिर ये इलाका, यहाँ हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत थी। जिन घरों में जवान लड़कियाँ थीं, उनका खौफ तो कई गुना ज़्यादा था। कई ने अपनी कम उम्र लड़कियों की बिना देखे वाले शादियाँ कर दी थी। मेहरुन्निसा की माँ भी मेहरुन्निसा की जल्द अज जल्द शादी कर देना चाहती थी, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेहरुन्निसा एक तो सावली, दूसरी बेहद बदशक्ल थी। लोग उनके शराफत के किस्से सुनकर उनके घर रिश्ता तो लेकर आते थे, मगर मेहरुन्निसा को देखकर उल्टे पांव लौट जाते। मेहरुन्निसा की सब सहेलियां अपने घरों की हो गई थी और अब तो चंद महीनों से मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। हर दूसरे दिन किसी मुसलमान घर में कत्लेआम की खबर सुनने को मिल जाती। औरतों ने तो घर से निकलना ख़त्म कर दिया था। मेहरुन्निसा का मुख्तसर घराना बेहद खौफजदा था। मर्द के नाम पर घर में सिर्फ कमज़ोर मुअज्जिन साहब थे और 3 ख़वातीन। और वो दिन भी आ गया, 14 अगस्त 1947। बंटवारा हुआ, उनका इलाका इंडिया में शामिल कर लिया गया। और मेहरुन्निसा की बदनसीबी तो देखो, उसके माँ बाप दादी को चुन चुन कर कत्ल कर लिया गया। वो न जाने कैसे जान बचाने में कामयाब हो गई और मुसलमानों के काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान पहुंच गई। जख्मों से चूर दिल, तका टूटा जिस्म और वीरान आंखें लेकर कई महीनों तक तो उसके समझ ना आ सका कि ये हुआ क्या है, कौन सी कयामत गुजर गई या अभी गुजरना बाकी है। जब दिन गुजरते गए, जैसे तैसे जिस्म के ज़ख्म भी भरने लगे और दिल के भी, भूख भी लगने लगी और नींद भी आने लगी। शुरू में तो आधी रात के बाद डरावने ख्वाब आते थे, लेकिन ये भी बहुत कम होने लगा। मुहाजिर लड़कियों और औरतों को एक कैंप में रखा गया। मेहरुन्निसा जिस औरत की कहानी सुनती, उसको लगता सबसे ज़्यादा तकलीफ उसने उठाई है, मगर अगली की कहानी इससे कहीं बढ़कर अजियतनाक होती। कई लड़कियाँ कुंवारी थीं, कई के साथ उनके बच्चे, सब अपनों से बिछड़े हुए थे, कई के अपने गुमशुदा थे। मेहरुन्निसा इस एतबार से बिल्कुल मुतमईन थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई गुमशुदा नहीं था। अब्बा, अम्मा, दादी सब खुश थे, अच्छी जगह थे। मेहरुन्निसा को अक्सर ख्वाब में नज़र आते थे। दिन और महीने गुजरते गए। कई खुशनसीब औरतों के बिछड़े रिश्तेदार उनको आकर लेकर गए। कई लड़कियों के कैंप में ही रिश्ते आ गए और वो चंद कपड़ों में रुखसत हो गईं। बहुत से लोग मेहरुन्निसा का रिश्ता भी लेकर आए, मगर इंतहाई नेक दिल बेलवस होने के बावजूद मेहरुन्निसा का चेहरा देखकर चुपचाप लौट गए, या कैंप में किसी और खूबसूरत लड़की को ब्याह कर ले जाते। मेहरुन्निसा के लिए ये सूरत हाल नया नहीं था, वह उस अजियत से कई मरतबा गुजर चुकी थी। मेरी शादी नहीं हो सकती, उसने ख़ुद को समझा लिया था। मगर फिर एक दिन कैंप की बड़ी बाजी जुबैदा ने उसको अपने कमरे में बुलवाया। जी बाजी, मेहरुन्निसा उनके करीब जाकर बैठ गई। कैसी हो मेहरुन्निसा? फरिश्ता सफ़द जुबैदा ने प्यार से मेहरुन्निसा के गहरे सांवले चेहरे पर नज़र डाली। ठीक हूँ मैं बाजी। मेहरुन्निसा के होंठों पर पीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कितनी उम्र होगी हमारी बेटी की? जुबैदा बाजी ने प्यार से पूछा। जी कोई 21 साल। मेहरुन्निसा ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। तो क्या ख्याल है, अब तुमको अपने घर का ना कर दिया जाए? मेहरुन्निसा की आंखों में कई मंजर गूंज गए, जब कई रिश्ते लाने वाले उसको देखकर वापस लौट गए थे, मगर कहकर वो चुप हो गई। फिर जुबैदा बाजी उसका सवाल बिना सुने ही भांप गई और कहा, अब ऐसा नहीं होगा बेटी।
तुम्हारे लिए जिसका रिश्ता आया है इन्होंने तुमको देखकर ही पसंद किया है। जब 14 अगस्त को हमने सालगिरह का जश्न मनाया था और बहुत से लोग जमा हुए थे, तब तुम किसी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भेज दिया और मेहरुन्निसा के होश उड़ते उड़ते रह गए और करीब बेहोश होने वाली हो गई। अपनी 21 साल ज़िंदगी में वो किसी को इतनी अच्छी कभी नहीं लगी थी, सिर्फ अब्बा अम्मा और दादी के अलावा। ज़ुबैदा बाजी ने कहा, मैंने अच्छी तरह छानबीन करा ली है, बहुत अच्छा लड़का है, पैसे वाला है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। मेहरुन्निसा ने कुछ शर्म और कुछ हैरत से नज़रें झुका ली, इसका मतलब हाँ था। फिर शादी की तैयारियाँ हुई। वैसे तो कैंप में कई मर्तबा शादी की तकरीब हो चुकी थी, मगर आज तो जैसे रंग ही अलग थे, क्योंकि आज शादी के सारे इंतज़ाम मेहरुन्निसा के होने वाले बेहद अमीर दूल्हे की तरफ से किया गया था। मेहमानों के बैठने का शानदार इंतज़ाम और इनकी ज़ियाफ़त के लिए बेहतरीन खाना और मेहरुन्निसा का जोड़ा और जेवर जो भी देखता मेहरुन्निसा की किस्मत पर रशक करने लगता। और सबसे बढ़कर, हाँ जी सबसे बढ़कर, बेहद खूबरू नौजवान आलीशान मेहरुन्निसा का दुल्हा। मेहरुन्निसा कीमती सुर्ख जोड़े में इस कदर मामूली लग रही थी कि मेकअप करने वाली ने थक कर ठंडी सांस भरी। फिर निकाह हुआ और रुखसती का शोर हुआ। मेहरुन्निसा रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अपने सजे सजाए कमरे में बैठकर अपनी मेहंदी लगे सांवले हाथों को देखते ही न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। उसका बचपन, नौजवानी, सहेलियाँ और फिर वो खौफनाक सुबह। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मेहरुन्निसा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कोई अंदर आकर ऐन उसके सामने बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम, ये कहकर इतनी खूबसूरत आवाज़ शायद ही उसने पहली मर्तबा सुनी हो, बेसाख्ता उसने आंखें उठा ली। उफ़, ये चेहरा, मुस्कुराता हुआ, गोरा नूरानी पाक आंखें, सियाह छोटी सी दाढ़ी और माथे पर गहरा सजदे का निशान। बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ़ करा दूँ। वो बहुत प्यार से अपना नाम बताने लगा कि मेरा नाम उमर फारूक है, मगर ये मेरा पैदाइश का नाम नहीं है, मेरे पैदाइश का नाम है अमर, अमर सिंह। मेहरुन्निसा ने दोबारा घबरा कर निगाहें उठाई। घबराइए नहीं, वो जैसे उसका सवाल समझ गया। मैं अब मुसलमान हूँ, पक्का सच्चा मुसलमान, जैसे कि आप हैं। मैं आपको एक कहानी बल्कि एक वाक्या सुनाता हूँ, उमर फारूक कहने लगा। 2.5 साल पहले मुझे एक मिशन सौंपा गया था, अपने मोहल्ले के एक घर के तमाम मुसलमान लोगों को कत्ल करने का मिशन। मैं रात भर इस घर में छिपा रहा एक तेज़ धार खंजर के साथ। फिर अंधेरे में एक बुज़ुर्ग कमरे से निकले, तेज़ी से इन्होंने आस्तीनें चढ़ाई और ठंडे पानी से वज़ू किया। शदीद तरीन सर्दी में और घर से निकल गए अजान देने। मैं कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने की हिम्मत न कर सका। फिर अजान हुई और एक नौजवान लड़की कमरे से निकली, सख्त सर्दी में आस्तीनें चढ़ाई, ठंडे पानी से वज़ू करके खुदा के हुजूर कड़ी हो गई। मेहरुन्निसा के तो जैसे होश ही उड़ने लगे। मैं उस लड़की को कत्ल तो ना कर सका, मगर शैतान के बहकावे में आ गया और उसके साथ। मेहरुन्निसा की आंखें झुक गई, उसके आंसू गिरने लगे। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और अपनी बिरादरी छोड़ दी, इसलिए कि मैं खुद मुसलमान हो गया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अमर से उमर बन गया। नाम में तो बस पेश का फ़र्क है, मगर मेरी तमाम ज़िंदगी जहर से ज़बर हो गई। कलिमा पढ़ते ही मुझे समझ आने लगा कि ये क्या राज है, अजान की आवाज़ में कौन सा सहर छुपा है कि मुसलमान दिन हो के रात, घर हो या मैदान, आस्तीनें चढ़ाते वजू करते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। ये कौन सी पुकार है जो अल्लाह की तरफ से होती है और बंदा हाथ बांध कर उसके सामने हाजिर हो जाता है। ये कहकर उमर ने मेहरुन्निसा की तरफ प्यार भरी नज़र डाली और कहने लगा, मैंने अल्लाह से अपने उस गुनाह की बहुत माफ़ी मांगी। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया
कि अगर उसने मेरी तौबा कबूल की है तो तुम मुझे नज़र आ जाओ, मैंने तुमको बहुत ढूंढा। फिर मुसलमान होकर मैं पाकिस्तान आ गया खाली हाथ। खाली हाथ आया था मगर अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि मिट्टी को हाथ लगाता तो सोना बन जाता, और आखिरकार तुम मुझे मिली गई, यानी मेरी तौबा और मेरी दुआ अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया। अब तुम मुझे माफ़ करोगी? क्या तुम मुझे माफ़ करोगी मेहरुन्निसा? उमर ने मेहरुन्निसा के सामने हाथ जोड़ दिए और मेहरुन्निसा ने अपने आंसुओं में भीगी सांवली हाथ उमर के जुड़े हुए सफ़ेद हाथों के ऊपर रख दिया। और ये खूबसूरत अनोखी कहानी यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टेक केयर, खुश रहिए और अल्लाह हाफिज़।